नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना, ये एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट डिफरेंस से, स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी विच टेंड्स टू डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड यूज टू सेट प्रायोरिटीज। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग को कहा गया फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी, हम फ्यूचर में देख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और प्रायोरिटीज को उस हिसाब से सेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस हिसाब से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी सेट करें और प्रायोरिटीज सेट करें। लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या कहा गया है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंप्लाइज अ बंडल ऑफ डिसीजंस और मूव्स टेकन इन रिलेशन टू फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑफ कोर्स स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग उसका एक पार्ट है, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में ज्यादा चीजें ली जाती हैं। इट इंप्लाइज बंडल ऑफ डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, ताकि अल्टीमेट उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें हम। ठीक है, तो ये था फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इट स्ट्रेसेस ऑन मेकिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटजिक डिसीजंस, वेयर एज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इट स्ट्रेसेस ऑन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेटजिक रिजल्ट्स, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या है, स्ट्रेटजिक डिसीजंस हम ले रहे हैं कि मतलब कि कैसे हम अच्छे अच्छे स्ट्रेटजिक डिसीजंस ले पाएं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव हों, ये बस कर रहे हैं हम और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में। लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक रिजल्ट्स को देख रहे हैं, न्यू मार्केट्स को देख रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू टेक्नोलॉजीज को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। स्ट्रेटजिक प्लानिंग बस प्लानिंग से रिलेटेड है, स्ट्रेटजिक डिसीजंस, प्लानिंग इनसे रिलेट करती है, लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। थर्ड डिफरेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट बाय प्लान्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ऑफ कोर्स मैनेजमेंट बाय प्लान्स होगा, कैसे कैसे हमने प्लान बना लें, कैसे कैसे उसको अचीव करना है, लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर भाई रिजल्ट पे ध्यान देना है। हमें प्लानिंग भी करनी है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, ऐसी बात है नहीं, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, फॉर्मुलेशन वगैरह सब आ जाता है इसके अंदर, और लास्ट में रिजल्ट पे मेन फोकस रहता है कि इसका रिजल्ट कैसा निकल रहा है हमारा, तो वो ओवरऑल मैनेजमेंट कहलाएगा। ओके, फोर्थ डिफरेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसेस, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग में हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसेस कहलाती है प्लानिंग की। ओके, लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए कहलाती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं, हम प्लानिंग केवल प्लानिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एक्शन ओरिएंटेड कि कैसे कैसे हमने उस एक्शन को करना है, कैसे कैसे हमें उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये रिलेट करता है एक्शन से, क्या काम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटजिक प्लानिंग रिलेट करती है एनालिसिस या एनालिटिकल प्रोसेस से। फिफ्थ डिफरेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग आइडेंटिफाइंग एक्शंस टू बी टेकन, वेयर एज इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाइंग एक्शंस टू बी टेकन, द इंडिविजुअल हु विल परफॉर्म द एक्शंस, द राइट टाइम टू परफॉर्म द एक्शन, द वे टू परफॉर्म द एक्शन, मतलब आप देख सकते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग में भाई बस ये चीज़ देख रहे हैं कि एक्शंस क्या क्या लेने हैं हमने, ये डिसाइड कर लेते हैं हम कि क्या हमारे प्लान बनेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी बनेंगी, उस हिसाब से क्या एक्शंस लेने हैं, हम एक्शन कर नहीं रहे हैं वो, ठीक है, बस हम ये सोच रहे हैं कि क्या क्या एक्शंस हमने करने हैं। लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत ब्रॉड टर्म होती है, इसके अंदर एक्शंस क्या क्या करने हैं वो देख लेते हैं, कौन उसको परफॉर्म करेगा, क्या उसका सही टाइम होगा परफॉर्म करने का, क्या उसका सही तरीका होगा परफॉर्म करने का, ये सब आ जाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। नेक्स्ट एंड दी लास्ट डिफरेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रेटजिक प्लानिंग लोअर डिग्री ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, वेयर एज इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग में इतनी तो वो चीज़ है नहीं, बस प्लानिंग के लिए करनी है, तो ज़्यादा स्किल की जरूरत है नहीं, जिसको प्लानिंग एनालिटिकल स्किल अच्छी है उसको ले लो, मतलब उसके रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग में जिसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, जो प्लान कर सकता है उसको ले लो, ज़्यादा स्किल्स देखने की जरूरत है नहीं। लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, सुन रहे हो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में भाई प्लानिंग भी आनी चाहिए उसे, उसे फॉर्मुलेशन भी आना चाहिए, उसे एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए, उसे इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल भी आना चाहिए, ऐसे वर्कर्स की जरूरत होती है, तो बहुत स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। तो ये कुछ 6 डिफरेंस थे स्ट्रेटजिक प्लानिंग और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, होप आप ये पूरे 6 के 6 डिफरेंस समझ गए होंगे। यार एक बार और बता रहा हूँ,
प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करो और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो जो भी यहाँ पे वीडियो में दिया गया। ऐसे पढ़ने से मतलब वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। ओके, तो लाइक कर ही देना इस वीडियो को, पसंद आई गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में कहता हूँ, कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है यार, कुछ भी लिख दो बेझिझक। जो भी डाउट है या कैसे मैं इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ या क्या आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ भी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।